हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ग्रेवी वाले करेले। हमने गैस के ऊपर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हमने सभी करेलों को अच्छे से छीलकर और छोटे छोटे अलग अलग शेप में कट कर लिए हैं। अब इन्हें हम बॉईल करने के लिए पानी में डालेंगे। पानी में बॉईल करने से क्या है, इनका जो कड़वापन है ना, वो बिल्कुल अलग हो जाता है और करेले खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। इन्हें हम ग्रेवी के रूप में बनाएंगे। ग्रेवी में करेले बहुत अच्छे बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। हमने सभी करेलों को इसमें अच्छे से डाल दिया है और इन्हें हम 15 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बॉईल इसमें हमें अच्छे से करेंगे ताकि हमें ग्रेवी में इन्हें ज़्यादा देर पकाने की जरूरत ना पड़े। अब इन्हें हम ढक देते हैं और 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जब तक हम अपनी और मसालों की तैयारी करते हैं। ग्रेवी के लिए हमने 3 मीडियम आकार के टमाटर ले लिए हैं और 3 मीडियम आकार की प्याज और 2 हरी मिर्च ले लिए हैं। इन्हें हम अच्छे अच्छे चॉप कर लेंगे और टमाटर की हम प्योरी बना लेंगे। टमाटर और प्याज करेले के अंदर सबसे ज़रूरी होते हैं, जिससे क्या इसमें कड़वापन नहीं रहता है। अब इन्हें हम अच्छे से चॉप कर लेते हैं। हमने टमाटरों को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर अच्छे से पीस लिया है और हमारी टमाटर की प्योरी रेडी हो गई है। और हमने एक टमाटर और एक मिर्ची और एक प्याज को छोटा छोटा चॉप कर लिया है ताकि करेले में थोड़ा सा मसाला ऐड करने के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने करेलों को चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारे करेले भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल के एक चेक कर लेते हैं कि हमारे करेले अच्छे से पक गए हैं कि नहीं। ये अच्छे से कट हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे करेले भी परफेक्ट बॉईल हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब इन्हें हम छान कर पानी से अलग कर लेते हैं। हमने इन्हें पानी से अलग कर लिया है और 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है, जिससे इनका सारा कड़वापन निकल जाए। ये देखिए, अब अच्छे से ये कट हो रहे हैं। अब इन हम देते हैं, अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा देते हैं। अब इसमें हम 2 बड़े चमचे के करीब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल, आप चाहे तो किसी भी में भी छौंक लगा सकते हैं। करेलों के लिए हमेशा ऑयल ज़्यादा ही लगता है और हम ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो फिर ऑयल तो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हमने इसमें कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। 7-8 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, धनिया, साबुत धनिया, जीरा, 1 बड़ी इलायची और थोड़ा सा हींग। अब इन्हें हम सभी को तेल के अंदर छोड़ देते हैं और ऊपर से हम थोड़ी सी इसमें सौंफ ऐड करते हैं। करेले हमेशा सौंफ में ही छौंके जाते हैं, जिससे करेलों का टेस्ट दोगुना हो जाता है। अब हमने जो प्याज, टमाटर और मिर्ची छोटे छोटे चॉप किए थे वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसे हम 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं, जब तक प्याज अच्छे से भून जाएगी। प्याज हमारी भून गई है, अब इसमें जो हम कटा हुआ टमाटर था वो डाल देंगे। अब इसे हम 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। हमारे सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं, अब इसमें हम टमाटर की जो प्योरी बनाई थी हम वो ऐड करेंगे। हमने इसे कटोरी में निकाल लिया है, अब इसे हम इसमें ऐड कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से करेले बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगते हैं। अब इन्हें हम 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। हमारे सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं, अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम कम ही ऐड करेंगे क्योंकि करेले थोड़े कड़वे होते हैं तो नमक ज़्यादा लगता है। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इन्हें अच्छे से पका लेते हैं। हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, बहुत ही यम्मी भी लग रहे हैं। अब इसमें हमने जो करेले बॉईल किए थे वो ऐड करेंगे। अब हमने जो करेले बॉईल किए थे वो इसमें ऐड करेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भरवा करेले जैसे बनते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस इन्हें हम 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे और हमारे करेले बिल्कुल बन के रेडी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये भरवा करेले को से भी बहुत टेस्टी बनते हैं।
आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप भरवा करेला बनाना छोड़ देंगे और इसी तरह से बनाया करेंगे। अब हम ऊपर से थोड़ी सी सौंफ, हमने सौंफ ले ली है, उसको क्रंच करके और इसमें डाल देंगे ऊपर से। इससे क्या है, इसका करेले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे हम ढक के छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। हमने ढक दिए हैं। देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो गए हैं, हमारा ऑयल जो था ना करेले से अलग गया है, इसका मतलब करेलों में से सारा पानी ख़त्म हो गया है और हमारे करेले भी बनकर रेडी हो गए हैं। सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है। अब इसे हम सर्व कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, करेले की सब्जी बिल्कुल भरवा करेले की जैसी ही बनी है, शायद उसे टेस्टी ही बनी है। मैं हमेशा बच्चों के लिए इसी तरह से बनाती हूँ तो वो बहुत ही खुशी खुशी इन करेले की सब्जी को खा लेते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।